Hello dear students, so today I am taking the most important topic, so that will be operations research. It is the complete subject regarding quantitative analysis for management. तो यहाँ पे हमारे पास कई तरह के डिसीजन होंगे एंड ऑप्टिमम डिसीजन हैज टू बी टेकन थ्रू ऑपरेशंस रिसर्च. तो ऑपरेशन रिसर्च मींस वी हैव टू मेक रिसर्च ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव टू गो विद द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. So it means we are taking the total techniques of OR. हम यहाँ पे operation research की total techniques की study करना चाहते हैं and it will take various numericals, various chapters regarding operations research. तो सबसे पहले मैं study करना चाहूंगा introduction. थोड़ा हम देखना चाहते हैं कि introduction क्या है about operations research. So it is mathematical subject for management. तो ये हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करती है टू द मैनेजमेंट, टू द एग्जीक्यूटिव, टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द पैरामीटर्स. सभी पैरामीटर को देखने के बाद, कंसीडर करने के बाद, वी हैव टू रीच वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन. दिस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस रिसर्च. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, नंबर वन डेफिनेशन में हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने ओआर के बारे में क्या कहा है. नंबर वन डेफिनेशन, ऑपरेशंस रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. तो ऑपरेशन रिसर्च हमारी एप्लीकेशन है, हमारी यूजेज है, जिसमें हम साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं. एंड देयर इज ए यूजेज ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स. यहाँ पे हम टेक्निक्स को यूज करते हैं सो दैट वी कैन रीच टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ताकि हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंच सकें. और ये टेक्निक हमारी कौन सी होती है, टू प्रॉब्लम्स, ताकि हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को चेक करें, सॉल्यूशन तक हमारा सॉल्यूशन तक डिसीजन हो. तो इन्वॉल्विंग द ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम सो एज टू प्रोवाइड दोज इन कंट्रोल विद ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो ये हमारी जो डेफिनेशन है, इट इज गिवन बाय सी डब्ल्यू चर्चमैन. तो अकॉर्डिंग टू हिम हम ये कह सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक. इट इज द यूजेज ऑफ टेक्निक सो दैट ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैन बी रीच विद इन इमीडिएटली पोजिशन ऑफ द कंसर्न. इट मीन्स वी कैन रीच अर्ली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम के लिए हमें इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, तो वो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी ऑप्टिमम सॉल्यूशन. वी शुड बी नोइंग ऑप्टिमम सॉल्यूशन. इट मींस देयर शैल बी वेरियस अल्टरनेटिव्स टू द सॉल्यूशन, बट दैट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिमम सॉल्यूशन. सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेशंस रिसर्च. It is the definition given by C.W. Churchman. Now I am coming to the second definition. Operation research is the art of giving bad answers to the problems which otherwise have worse answers. जो हमारी ऑपरेशन रिसर्च है उसका मेन काम है कि हमारी पोजीशन को इम्प्रूव करना. अगर हम इस डेफिनेशन को स्टडी करें, ऑपरेशन रिसर्च हमें बैड आंसर देती है, जो हमारी प्रॉब्लम के लिए बैड सॉल्यूशन देती है. अगर ओआर का सॉल्यूशन ना देखा जाए, ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प ना ली जाए, तो वो हमारे बुरे से भी बुरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इट मीन्स ओआर इज इम्प्रूविंग द पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स ओआर इज कन्वर्टिंग वर्स पोजिशन टू द बैड पोजिशन. सो इट इज काइंड ऑफ डेफिनेशन गिवन बाय टी एल साटी. इट मीन्स टी एल साटी ने हमें ये बताया कि इट इज द आर्ट ऑफ गिविंग इम्प्रूविंग पोजिशन टू द कंसर्न. अगर हम कहते हैं कि हम वर्स से बैड में आ रहे हैं, इट मीन्स वी कैन से दैट ओ आर इज प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड कंडीशन, इम्प्रूव्ड अल्टरनेटिव, इम्प्रूव्ड टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका मतलब हम ये कहेंगे इट इज द इंप्रूविंग द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो सेकंड डेफिनेशन है कि ये हमारी पोजीशन को इंप्रूव करती है, ये हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एंड इट गिव्स द राइट डिसीजन टू द एग्जीक्यूटिव्स. तो मैनेजमेंट के लिए हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेशन रिसर्च. सो इट इज द क्वांटिटेटिव आंसर टू द एग्जीक्यूटिव सो दैट डिसीजन शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट, ताकि डिसीजन हम टाइमली ले सके. सो इट इज द सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग टेक्निक टू द मैनेजमेंट. सो इट इज इंप्रूविंग, इट मीन्स इट इज द इंप्रूविंग पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर थर्ड अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑपरेशन रिसर्च इज ए साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट. तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लिए ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है. वी मे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, हमारे पास कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. कॉस्ट मिनिमाइजेशन हमें हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है. सो देयर शैल बी वेरियस टेक्निक्स आर अवेलेबल इन द ओआर विच शैल बी हेल्पिंग टू द यूजर सो दैट राइट डिसीजन कैन बी टेकन विद ऑप्टिमम सॉल्यूशन. हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाए एंड वी कैन टेक अर्ली डिसीजन विच शैल बी हेल्पफुल टू द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स को बेनिफिट हो एंड दे कैन डील इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन डील विद द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग ऑपरेशन रिसर्च. तो जनरली हम यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन की टेक्निक ले सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसमें हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं, हाउ क्वांटिटी शुड बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी कैलकुलेटेड. सो कैलकुलेशंस विद न्यूमेरिकल अप्रोच विद क्वांटिटेटिव अप्रोच इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च. तो ऑपरेशन रिसर्च हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड करती है सो दैट एग्जीक्यूटिव शुड बी हेल्पफुल बाय टेकिंग राइट डिसीजंस इन टाइम. तो टाइमली डिसीजन लेना हमारी ऑपरेशन रिसर्च का कंट्रीब्यूशन होता है. सो इट इज द साइंटिफिक टेक्निक विद वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स सो दैट ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैन बी कंसीडर. मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम सॉल्यूशन दैट विल बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हमारी डेफिनेशन है. तो इसके बाद हम चलते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होंगे. नंबर वन फीचर, हमने फोर फीचर लिए हैं मेनली. तो नंबर वन होगा सिस्टम ओरिएंटेशन. ऑपरेशन रिसर्च इज टोटली सिस्टम ओरिएंटेड, इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम. व्हेन वी आर टॉकिंग दैट इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम, इट मींस वी हैव टू इंक्लूड द स्टडी ऑफ सिचुएशन. हमें सबसे पहले सिचुएशन की स्टडी करनी होगी और हमें प्रॉब्लम की स्टडी करनी होगी विच इज फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. जो प्रॉब्लम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है एज ए होल और एज ए सिंगुलर प्रॉब्लम. तो कहने का मतलब ये हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है और टोटल एज ए होल भी हो सकती है या किसी डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो सबसे पहले हमें सिचुएशन को स्टडी करना होगा कि हमें कॉस्ट को कैसे मिनिमाइजेशन करें या प्रॉफिट को कैसे हम मैक्सिमाइजेशन करें, कैसे हम एक्सपेंसेस को एलोकेट करें टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर शैल बी वेरियस प्रॉब्लम्स. तो कहने का मतलब हमें सिचुएशन की स्टडी करनी होगी और प्रॉब्लम को स्टडी करना होगा. सेकेंड हमारा पॉइंट होगा टू लोकेट द ऑप्टिमम रिजल्ट बाय आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल इंटरेक्शंस. देयर शैल बी वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन बट वी हैव टू लोकेट द बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट, बेस्ट ऑप्टिमम अल्टरनेटिव दैट हैज टू बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. हमें ऑप्टिमम रिजल्ट लेना होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होगा, देन वी हैव टू टेक द डिसीजन. सो इट इज डिसीजन मेकिंग अप्रोच गिवन बाय द ऑपरेशंस रिसर्च.
तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट डिसीजन कैन बी टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जब भी हम सिस्टम ओरिएंटेशन की बात करते हैं, इट इज टोटली सिस्टम ओरिएंटेड। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो विद द प्रॉब्लम, वी हैव टू स्टडी द प्रॉब्लम, वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम, देन वी हैव टू गो विद द ऑप्टिमम रिजल्ट बाय आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल इंटरेक्शंस, बाय आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। There shall be various alternatives and we have to select the best alternative taking care of all the parameters in the organization. जब भी हम ऑप्टिमम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल्स, अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट विल बी बेस्ट आंसर टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। तो ओवर हमें बेस्ट आंसर प्रोवाइड करती है। इट मीन्स वी कैन टेक बेस्ट डिसीजन, इकोनॉमिकल डिसीजन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट फेस एनी साइड इफेक्ट। अगर हम साइड इफेक्ट नहीं फेस करना चाहते, इट मीन्स दैट इज ए सिस्टम ओरिएंटेशन। इट मीन्स वी हैव टू फेस द सिस्टम ओरिएंटेशन, इट मीन्स दैट विल बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स वी हैव टू स्टडी द प्रॉब्लम, देन वी हैव टू गो विद द अल्टरनेटिव, देन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट आंसर। नंबर सेकेंड हम लेंगे डिसीजन मेकिंग। ऑपरेशन रिसर्च सेकेंड फीचर, दैट इज द मेन फीचर, इज डिसीजन मेकिंग। इट गिव्स द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस so that we can be caring about the result of the organization. When we are taking about decisions, it means number one part will be diagnostic study of the problems. We have to carefully diagnose the problem. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को केयरफुली एनालाइज करना होगा और उनके ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना होगा। दैट ऑब्जेक्टिव मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। उसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, चाहे हम उसे प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन आंसर दे दें। तो नंबर वन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम की हम डायग्नोसिस करेंगे, देन वी हैव टू गो विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। सेकेंड फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग विल बी सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव पैरामीटर्स। So there shall be various answers, various parameter. Now we have to select the best answer, best possible optimum answer for the organization, so that organization should not be facing any drawbacks in implementing of that decision. ताकि हमारी organization को कोई भी drawback फेस ना करना पड़े और हमारा जो डिसीजन है दैट विल बी बेनिफिशियल एट ऑल टाइम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम सभी पॉइंट केयर करते हैं, अल्टरनेटिव्स आर केयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, वेरियस पैरामीटर्स आर चेक्ड, देन इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस आर टेकन। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन लेते हैं, सो दैट गिव्स द बेस्ट डिसीजन मेकिंग फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑपरेशन रिसर्च हमें प्रोवाइड करती है बेस्ट डिसीजन मेकिंग। तो प्रॉब्लम की डायग्नोसिस होती है, उनके ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश होते हैं, देन वी हैव टू मीट द ऑब्जेक्टिव। दैट ऑब्जेक्टिव मे बी कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स, देन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। नंबर थर्ड हमारा फीचर होगा क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन। सो वी हैव टू गो विद द क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। वी हैव टू गो विद द वेरियस इक्वेशंस, वेरियस मैट्रिसेस, सो दैट वी कैन गेट द ऑप्टिमम आंसर टू द प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ पे कई तरह की टेक्निक्स होंगी, कई तरह के हमें सॉल्यूशन करने होंगे, ताकि हमारे मैनेजर जो हैं वो राइट डिसीजन ले सके, एंड दैट डिसीजन विल बी इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव डिसीजन। दैट डिसीजन विल बी इन द न्यूमेरिकल डिसीजन गिवन बाय द मैनेजर्स।
ओआर हमारे मैनेजर्स को न्यूमेरिकल डिसीजन प्रोवाइड करेगी, दैट विल बी न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव डिसीजन, सो दैट मैनेजर शुड एम अबाउट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर फोर होगा ऑब्जेक्टिव। तो ओआर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिले, सो दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन विल बी परफेक्ट, देयर शैल बी कॉस्ट सेविंग, प्रॉफिट मेकिंग एंड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टेक्निक। सो इसलिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा, कंस्ट्रेंट्स हमें चेक करना होगा, कौन से हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट वी हैव टू मीट द ऑब्जेक्टिव। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होंगे, उसी हिसाब से उनको अपने मेन ऑब्जेक्टिव को मीट करना होता है। सो इट मींस अवर ओआर या ऑपरेशन रिसर्च प्रोवाइड्स द क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट टू रीच द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।